हम बात कर रहे हैं NMDC की। आज के दिन की बात करें तो NMDC में हमको बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 4% के ऊपर का अपसाइड फिलहाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 274.50 पैसे पर फिलहाल ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद बाउंस बैक किया था, तो आपको याद होगा इस हाई तक के ने 274 तक के टारगेट को डिस्कस कर चुके थे हम। 274 का लेवल इसके मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस हाई को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है स्टॉक को लगातार तेज़ी के लिए, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। 274-280 का लेवल NMDC के लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। अपने रिसेंट हाई को स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है, अब जो लेवल है वही लेवल इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 274 का लेवल। और नीचे की ओर जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ, गिरावट के साथ सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक होकर अपने हाई को ब्रेकआउट दिया है। 260 का लेवल तगड़ा और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा NMDC के लिए। यहाँ से अब तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है हमको, यहाँ से और बड़े टारगेट NMDC में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब जिस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है वही इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है तो अब जो इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 280 का लेवल रहेगा, 280-284 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था और गिरावट देखने के लिए मिली थी। 280-284 का लेवल ये इसके अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। 284 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। 284 के आसपास फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है, इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न दिखा रहा है ब्रेकआउट होने के चांस पूरे पूरे बन रहे, क्योंकि हम देख सकते हैं लगातार बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही। गिरावट आती है तो छोटी मोटी गिरावट कहीं हमको देखने के लिए मिल रही और उसी के साथ बायर्स एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। आज के दिन में भी बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली, तो 284 का लेवल ब्रेकआउट करने के पूरे चांस बने हुए इसके आसपास, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना है। 284 के ब्रेकआउट के बाद 290 से लेके 300 तक का जंप NMDC हमको दिखा सकता है। अब NMDC में हमको 300 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।